बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिफोर वी स्टडीड फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, सो फर्स्ट रिव्यू दिस लॉ। लॉ वन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। कोई भी बॉडी जब रेस्ट की कंडीशन में हो या फिर मोशन की कंडीशन में हो, उस वक्त तक रेस्ट की कंडीशन में या मोशन की कंडीशन में रहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसकी इस हालत को चेंज नहीं कर देते। सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ में हमने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप स्टडी किया था। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बॉडी का मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। तो एफ फिजिकल टू एम ए के ज़रिए हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन होता है जो कि बिल्कुल इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा होता है क्वांटिटी में, लेकिन उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होती है। यहाँ पर एक्शन देखिए, एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि रिएक्शन की बात करें हम तो रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसी थर्ड लॉ को ड्रामेटिकली बताया गया है विद द हेल्प ऑफ एरो। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फर्स्ट फोर्स। अगर एक फोर्स, एक बॉडी फोर्स अप्लाई करती है किसी दूसरी बॉडी पे, तो जो भी फोर्स फर्स्ट बॉडी ने लगाई है उतनी ही फोर्स सेकेंड बॉडी भी लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देर इज एन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे होंगे मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पर हमें बताई गई है कि जब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया गया है कि जब कोई भी बॉडी बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, तो जितनी फोर्स लगाकर वो बाहर की तरफ मूव कर रही है उतनी ही फोर्स जो है वो बोर्ड पर डेवलप होती है, जिसकी वजह से बोर्ड पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेन यू जंप ऑफ अ स्मॉल रोइंग बोट इनटू द वाटर यू विल पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड टूवर्ड दैट वाटर, द सेम फोर्स यू यूज टू पुश फॉरवर्ड विल मेक द बोट मूव बैकवर्ड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, आप डायग्राम में देख सकते हैं जब भी कोई बॉडी जितनी फोर्स लगाकर पानी के अंदर मूव करेगी उतनी ही फोर्स जो है वो शिप पर डेवलप होती है, जिसकी वजह से शिप पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन एयर रशेज आउट ऑफ द बलून द अपोजिट रिएक्शन इज दैट द बलून फ्लाइज अप। जब बलून से हवा निकलती है तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में यानी अप साइड में बलून मूव करता है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया जा गया है। नेक्स्ट, व्हेन यू डाइव ऑफ अ डाइविंग बोर्ड यू पुश डाउन ऑन द स्प्रिंग बोर्ड द बोर्ड स्प्रिंग बैक एंड फोर्सेस यू इनटू द एयर। जब आप डाइविंग बोर्ड से जंप लगाते हैं तो जिस तरह आप जंप लगाते हैं उसी तरह से उतनी ही फोर्स से आपको हवा में फोर्स धकेल देती है और इस तरह से उतनी ही कुव्वत से आप बाहर की तरफ हवा की तरफ मूव करते हैं। समरी, लेट्स समराइज टुडे लेक्चर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ वन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। लॉ टू, फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था
लॉ के बारे में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन एक्शन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. बलून, यहाँ पर बलून की एक एग्जाम्पल शो की गई है. जैसे बलून से हवा निकलती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी फोर्स से बलून ऊपर की तरह अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो यहाँ पर बार बार मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये लॉ अप्लाई होता है कि एक्शन हमेशा रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो होप यू विल अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ओके, अल्लाह हाफिज़.